सोलन के राजगढ़ रोड पर जगदीप कॉम्प्लेक्स के समीप चोरों ने घर को उस समय निशाना बनाया जब घर पर कोई नहीं था। चोर रात होते ही घर में घुसे और उन्होंने घर के हर कोने को गहनता से छाना। घर में अलमारियों, बेड और किचन का सामान बिखरा हुआ था। बेड और अलमारी को इस कदर तोड़ा गया है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि चोर बेहद पेशेवर रहा होगा। इस चोरी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि चोर इस घर पर और घर के मालिक पर पैनी नजर रखे हुआ था और जैसे ही वह घर से बाहर निकले उसने चोरी को अंजाम दे दिया। हैरानी वाली बात यह है कि घर के ऊपर वाली मंजिल में लोग जागे हुए हैं लेकिन किसी को भी इस चोरी की घटना की भनक तक नहीं पड़ी। अधिक जानकारी देते हुए मकान मालिक संजीव गुप्ता ने बताया कि जब उनकी माता दुकान से घर लौटी तो उन्होंने घर का दरवाजा खुला पाया तो उन्हें शक हुआ कि घर में अंदर कोई घुसा है, तो उन्होंने इस बारे में शोर मचाया तो तभी अंदर से एक व्यक्ति निकलकर सड़क की ओर भाग गया। जब तक लोग उनकी आवाज सुनकर बाहर आए तब तक चोर रफू चक्कर हो चुका था। उन्होंने बताया कि उनके घर से करीबन 5 लाख की नकदी और कीमती आभूषण चोर चुराने में कामयाब हो गया है। उन्होंने इस बारे में पुलिस को शिकायत कर दी है जो मौके पर तफ्तीश कर रही है। बीते रात कल मेरे मदर घर को आए तो उन्हें देखा कि जैसे ही घर के अंदर एंट्री करी तो उनको अलमारियां वगैरह सारी खुली खुलाई मिली है, कैश भी नहीं मिला घर में और ज्वेलरी भी नहीं मिली घर में। तो उसके बाद तुरंत मुझे फोन आया 9 बजे के बाद कि ऐसे ऐसे घर में चोरी होगी, घर में आके फटाफट आओ और देखो घर में क्या हुआ है, फिर रिपोर्ट करी पुलिस में हमने। घर में कोई नहीं था, घर में हमारे दूसरी मंजिल में हमारे चाचा जी रहते हैं, उनको भी कुछ एक लाइट बंद होती हुई दिखी घर की, मगर उन्होंने कोई इतना गौर नहीं किया। घर से 4-5 लाख रुपए तो कैश चोरी हुआ है और साथ में ज्वेलरी थी 1.5 लाख रुपए की, पुलिस में कंप्लेंट की है जी। पुलिस तहकीकात कर रही है आके, कल भी उन्होंने हमारे से एप्लीकेशन वगैरह लिखाई है, आज भी उन्होंने आके फिंगरप्रिंट वगैरह चेक कर रहे थे और चेकिंग पे लगे हुए हैं।